बिहार में डेंगू के प्रकोप से हड़कंप मचा है। राजधानी पटना समेत पूरे राज्य में मरीजों की संख्या ने स्वास्थ्य महकमे को भी परेशानी में डाल दिया है। अकेले पटना में पिछले 48 घंटे में 200 से ज्यादा नए डेंगू के मरीज मिले हैं, वहीं पूरे बिहार में 900 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं। मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच डेंगू से बचाव के लिए सरकार और स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोशिश की जा रही है। जहां राज्य के बड़े अस्पतालों में डेडिकेटेड डेंगू वार्ड बनाए जा रहे हैं, वहीं पीएमसीएच, आईजीएमएस, एनएमसीएच और एम्स जैसे बड़े अस्पताल में डेंगू मरीजों के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। वहीं राजधानी पटना में 200 से ज्यादा डेंगू के मरीज मिलने के बाद कई जगहों पर एंटी लार्वा स्प्रे कराया जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के पीएमसीएच में, डेंगू वार्ड है यहाँ पर। और अगर पीएमसीएच की बात की जाए तो यहाँ पर 10 मरीज जो हैं वो एडमिट हैं। इसके अलावा पूरे पटना शहर की बात की जाए तो 308, भागलपुर में 168, मुंगेर में 9, नालंदा में 10, नवादा में 10, वैशाली में 40, जहानाबाद में 3, गया में 47, पूर्वी चंपारण में 18, मुजफ्फरपुर में 24, गोपालगंज में 1 और सिवान में 5। यानी कि अगर राजधानी पटना की बात की जाए तो 300 से ज़्यादा नए मरीज जो हैं वो भर्ती हुए हैं। लगातार जो डेंगू का प्रकोप है वो देखने को मिल रहा है और ऐसे में कहीं ना कहीं लगातार जो हॉटस्पॉट की बात की जाए तो राजधानी पटना बनता जा रहा है। पटना का पीएमसीएच में इसको लेकर डेडिकेटेड वार्ड भी बनाया गया है। ये टाडा वार्ड जो है इसके अंदर डेडिकेटेड फर्स्ट फ्लोर पर डेंगू वार्ड बनाया गया है, जहाँ पर 10 मरीज जो हैं फिलहाल एडमिट हैं। पीएमसीएच में इसको लेकर भी तैयारियां जो हैं वो पूर्ण हैं। टाडा वार्ड के ऊपर जो है वो डेंगू वार्ड बनाया गया है और फिलहाल 10 लोग जो हैं वो यहां पर भर्ती हैं। आज सुबह और दोपहर को जो दूसरे जो मरीज हैं वो आए हैं, 2 मरीज जो हैं वो पीएमसीएच में आ जाए हैं। और आज आपको बता दें कि जो लगातार जो डेंगू का प्रकोप है वो पूरे बिहार में देखने को मिल रहा है। भागलपुर में भी डेंगू मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जिले के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय में डेंगू मरीजों की तादाद डराने वाली है। जिले के ग्रामीण इलाकों के साथ साथ शहरी इलाकों में भी डेंगू और वायरल फीवर के मामलों में तेजी आई है। जिले में कई सुरक्षा कर्मी भी इस वायरल फीवर और डेंगू की चपेट में आ गए हैं। जिले के कई पुलिस कर्मी भी इस वायरल फीवर और डेंगू की चपेट में आ गए हैं। एक्चुअली वायरल फीवर है, इस बस दिखाने आए हैं हम अपनी मदर सिस्टर इन लॉ को। कितनी देर से लाइन में लगी हैं? अप्रॉक्स 1 आवर। और फिर अभी और कितना समय लगेगा? अभी और 10 से 15 मिनट लगे क्योंकि अभी हमारी बारी आ चुकी है। तो परेशानी हो रही थी लाइन? बहुत ज्यादा लाइनिंग में परेशानी हो रही है, बहुत ही ज्यादा। क्या लगता है आज मिलेंगे डॉक्टर से? अब क्या ही बताएं, पहले चिट्ठा कट जाए उसके बाद फिर ही सब होगा ना। लाइट कट की समस्या आ रही है, बहुत ज्यादा लाइट की समस्या हो रही है, कभी आ रही है कभी जा रही है। सिर्फ हम लोगों क्या सारे मरीज को भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा है लाइट की वजह से। भागलपुर जैसे हालात ही नवादा में भी हैं, जहां सदर अस्पताल में डेंगू मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। लेकिन यह बीमारी के साथ ही मरीजों और उनके परिजनों के लिए अस्पताल की बद इंतजामी भी दोहरी मार की तरह है। जब सदर अस्पताल का सिविल सर्जन डॉक्टर राम कुमार प्रसाद ने जायजा लिया तो डेंगू वार्ड की बदहाली उजागर हुई, जिसे गुस्साए सिविल सर्जन ने अस्पताल कर्मचारियों को जमकर फटकार लगाई। न्यूज स्टेट ने भी इस अस्पताल का निरीक्षण किया। डेंगू के लिए डेडिकेटेड वार्ड है, डेडिकेटेड वार्ड है डेंगू के लिए। जितनी संभाव बेहतर से बेहतर हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। और कितने मरीज हैं सर डेंगू? अभी 9 मरीज हैं। ठीक, ज़्यादा उसके लिए हम सोच रहे हैं, उसके लिए व्यवस्था कर रहे हैं। कुछ फैन वगैरह ख़राब है उसके लिए भी शाम तक बन जाएगा, हम कोशिश कर रहे हैं, नहीं तो हायर करेंगे, जैसे हो देंगे। ठीक, मतलब जो बोलते हैं लोग कि से इसमें रेस्ट चाहिए, तो डेंगू मतलब सबको है। और बाथरूम के लिए कम से कम यहाँ से इमरजेंसी वार्ड जाना पड़ता है, वहाँ भी खड़ा होकर इंतज़ार करना पड़ता है कोई गया हुआ है तो। बाथरूम अभी नहीं चालू हुआ, नहीं पानी ही नहीं था उसमें, पता नहीं चला लाइन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पानी नहीं आ रहा है उसमें। जो पानी पीने के लिए हम लोग आए थे, लेकिन नल का पानी है, पता नहीं वो डायरेक्ट पानी कैसा पानी है। हाँ सर, पानी पीना है, पानी है ये नहीं, प्यास लगा बहुत कस के, अब पानी का साधन नहीं है। पेशेंट को प्यास लगा हुआ बैठे हुए जा रहे, बोतल वाला पानी खरीद के लेंगे जाकर। पूरे बिहार में डेंगू से हाहाकार मचा है। हालांकि कुछ अस्पतालों को छोड़कर ज्यादातर अस्पताल बीमारी से लड़ने के लिए अलर्ट मोड पर हैं। वैसे तो समय पर इलाज मिलने से मरीज आसानी से ठीक हो रहे हैं, लेकिन अगर इलाज में लापरवाही हुई तो ये बीमारी जानलेवा भी हो सकती है। ऐसे में बीमारी से बचाव को लेकर डॉक्टरों का क्या कहना है, आप भी सुनिए। तो सिर्फ हमें ध्यान यही चीज़ का देखना है कि अपने घर के आसपास कहीं भी पानी इकट्ठा नहीं हो, वो देखें।
दूसरा कि अगर हमें डेंगू हो जाता है तो सबसे इम्पॉर्टेंट हमें ध्यान ये देना है कि मेरा जो खाने का जो सिस्टम है, स्पेशली जो डिहाइड्रेशन नहीं हो, पानी खूब पिएँ और बाकी प्लेटलेट का जांच कराएं। आपको बुखार होता है, आपके अगल बगल हर जगह हॉस्पिटल्स गवर्नमेंट के हैं, आप वहाँ जाइए, सिंपल पैरासीटामोल लीजिए, पानी खूब पीजिए, लेकिन जाकर के जो खुद जाते हैं और दवा की दुकान में वहाँ पर सब बहुत सारे एंटीबायोटिक्स और इवन स्टेरॉइड्स एनाल्जेसिक वो सब यूज़ कर रहे हैं, अगर खुदा ना खास अगर आपको डेंगू होगा तो उसमें और प्रॉब्लम आएगा। तो इसीलिए रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग बाहर से वैसा कोई मेडिकेशन जो कि आप नहीं जानते हों या मेडिकल हॉल नहीं जान रहे हों उनसे ये एडवाइस ना लें, डॉक्टर से मिलें, डॉक्टर आपको सही सलाह देंगे। थोड़ी सावधानी बरतने से डेंगू के खतरे को टाला जा सकता है। हालांकि लोगों की जागरूकता के साथ ही जरूरत है अस्पतालों में दुरुस्त व्यवस्था की ताकि डेंगू के प्रकोप को कम किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ स्टेट, बिहार, झारखंड।